हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बोलिए भाई, सबसे पहले तो आप बता दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, जल्दी आ जाइए भाई, सभी लोग। मेरी आवाज क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ, यार मैंने ये हेयर कट किया है, तो अगर मैं वेरी वेरी हॉट लग रहा हूँ तो तुम मेरी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? बताइए भाई, आवाज क्लियर है आप सभी लोगों को? जल्दी से बता दीजिए मुझे। वेरी वेरी गुड इवनिंग। भाई ऑडियो के बारे में बताइए, ऑडियो क्लियर है सभी को? अगर मैं बता रहा हूँ इफ आई एम टू हॉट तो यू कैन अरेस्ट मी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं बेटा कि हमारा जो कल से 14th ऑफ जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया बैच। तो जितने भी CSIR नेट एस्पायरेंट्स हैं वो सभी लोग ध्यान रखें भाई, कल 5 बजे सभी लोग प्लस कोर्स वाले प्रेजेंट रहें। आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और यकीन मानिए ग्रुप थ्योरी आप जब पढ़ेंगे आपको एक डिफरेंट लेवल और एक नेट लेवल की ग्रुप थ्योरी फील होगी, राइट? देखिए अब एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ कि अनअकैडमी ऐप का जो नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप हो गया है, लर्नर ऐप। ओके, तो आप जानते हैं आज भी हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, राइट? जीओसी के हर दिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के, क्योंकि हर टॉपिक के टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सब लोगों को, ठीक है? तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू रहते हैं। रिवीजन सेशन भी हम लगाएंगे, बहुत सारे लगाते हैं, और आने वाले वीकेंड पे और भी रिवीजन सेशंस लगेंगे। अनअकैडमी पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग तो मिलता ही है। देखिए डेट मार्क करके रखिए भाई, और 5 बजे पॉइंट ग्रुप से आगे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा ग्रुप थियोरी का, प्लस क्योंकि जो बुक हम फॉलो करेंगे ग्रुप थ्योरी के लिए वो बुक होगी FA Cotton, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई होगी, ठीक है? आप एक ही सब्सक्रिप्शन से जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का सभी की वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मजा आता है क्वेश्चन से, हाँ मजे लीजिए बेटा। लर्निंग लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, CSIR UGC नेट वाले फोल्डर में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फॉलो करने का लिंक भी है, उसको तो फॉलो करके रखिए। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, आप ये वाला कोड ही यूज करेंगे, APR10, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और कल से मतलब कल से डोंट मिस एनी क्लास, अगर आप CSIR UGC नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी, केमिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 6+1 12+2, ये ऑफर चेंज हो गया है, 12+2 का ऑफर है, 12 मंथ पर 2 मंथ फ्री मिलेगा, राइट? और 15 जुलाई के बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे, मेरा कोर्स 14 जुलाई को ही लॉन्च हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। चलिए भाई हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस। बता दीजिए क्या आप लोग तैयार हैं?
हाइड्रोलिसिस थ्रू एडिशन मैकेनिज्म, एडिशन मैकेनिज्म से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अनअकैडमी पर आप स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, वो फ्री है। राइट, क्या किसी और की वीडियो भी बफर कर रही है तो एक बार बता दीजिए। तो प्रीति ने आंसर कर दिया है ना आशी। हाइड्रोलिसिस थ्रू एडिशन मैकेनिज्म पढ़े, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? चलिए उसको थोड़ा सा हाइड करके पहले बता दूं। इससे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस थ्रू SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। तो आप लोगों को इतना आइडिया तो होगा बेटा, कितना, कि SN1 मैकेनिज्म जनरली वो होते थे जो नॉर्मली हाइड्रोलाइसिस नहीं शो करते थे। राइट, बाकी जितने भी हैलाइड्स हैं वो मोस्टली SN2 मैकेनिज्म को ही शो करते थे। मैंने कहा मोस्टली, सारे नहीं। उसी के लिए मैं एक स्टेप और आगे आता हूं आप लोगों के साथ। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा, मान जा मेरे भाई, हेलोजिन्स लिखो, हेलोजिन्स। देखो मैं ग्रुप नंबर 17 में जब हाइड्रोलिसिस पे आऊंगा हेलोजिन्स में, तो उस दिन मैं हेलोजन की हाइड्रोलिसिस को नहीं पढ़ाऊंगा। राइट, तो आज पढ़ा रहा हूं। बताइए अगर F2 पर H2O का अटैक हो, प्रीति ये सब स्पेशल क्लास में कवर करा है, अनअकैडमी पे ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करने से पहले एनर्जी भर दीजिए इस वीडियो में। और नया उमंग बैच भी स्टार्ट हुआ है, अपडेटेड हर चीज से रहिए, कीजिए वो जो आपके काम की चीज है। राइट, क्लास ये क्या है? कार्तिक, कार्तिक तू नेपाल से है, बोल तूने ऐसा लिखा है क्लास को? क्लास बोल भाई, हैं? क्लास होती है? शर्म नहीं आई? हैं? शर्म नहीं आई लिखने में? तो ये क्या है? मुझे लगता है तेरे पे नेपाली एक्सेंट भारी है भैया। तो तू क्लास क्यों लिख रहा है? वो बोलते हैं क्लास, कीरीन। राइट, इसके अलावा क्या और क्रिकेट, चलो कोई बात नहीं। इमोशन कंट्रोल, आप जानते हैं F2 और H2O के बीच में जब रिएक्शन हो रही है तो F2 का हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर मैं F2 को छोड़ दूं, उसके अलावा आप Cl2 की बात करें और मैं उसका हाइड्रोलाइसिस करूं, तो पहले आप इसका हाइड्रोलाइसिस समझिए। देखिए ये है आपके पास Cl, Cl। तो अगर H2O अटैक करता है, राइट, ये अच्छी बात है। हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुन के दिल खुश होता है। ठीक है, तो एक तरीके से SN2 टाइप मैकेनिज्म ही होता है। सीएल सीएल बॉन्ड टूटने लगता है, OH टाइप बनता है, यही होता है SN2 में।
और आपको मिलेगा HOCl, क्योंकि जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट, प्लस HCl। या फिर आप ये समझिए बेटा, जब भी आप हेलोजन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, आपको शुरू से यही सिखाया गया है, एक के पास H, दूसरे के पास OH। तो एक के पास आपने H ले गए, जिसके पास H ले गए वो HCl बन गया, जिसके पास OH ले गए वो HOCl। तो देखिए Cl2 यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीजन रेट थी जीरो। जीरो से किस किस में चेंज हो रहा है, एक इसमें, एक इसमें, यानी -1 +1। तो बताइए भाई, Cl2 का हाइड्रोलिसिस होना एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, जल्दी बता दीजिए सभी लोग, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होना एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, बताओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल है, बिल्कुल। सिमिलरली अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए Br2 का हाइड्रोलाइसिस करिए, तो आप बना देंगे HBr प्लस HOCl, नॉट HOCl, HOBr। ये पॉइंट लिखते रहे ना, Cl2Br2 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, अगेन जीरो से -1 एंड +1। मैंने F2 को अलग क्यों लिखा है, अगर आप F2 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप क्या सोचेंगे, आप सेम चीज सोचेंगे, सर F2 भी -1 और +1, मैंने आपको बताया था फ्लोरीन +1 में कभी नहीं रहेगा, याद है, बोलो बेटा। अगर आपको ये बात याद है कि फ्लोरीन +1 में कभी नहीं रहेगा, पर फ्लोरीन -1 में तो रह सकता है HF। जीरो से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन कभी भी ये +1 में नहीं जाएगा। अगर फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तो वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अगर आप वाटर का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो वाटर में दो चीज है बेटा, एक एच जिसपे डेल पॉजिटिव है, एक ओ जिसपे नेगेटिव है डेल। चार्ज बैलेंस करना जानते हैं ना आप लोग, मान लीजिए मैं बस ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अगर एच रिडक्शन इनमें से किसका हो सकता है, डेल नेगेटिव नहीं है, अगर बार H2O बनाए, ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लो, अगर सच्चाई की बात हो गई या सच्चाई हो ही जाए, ये -2 में है, ये +1 में है, यही इनकी ऑक्सीजन स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है बेटा, ऑक्सीजन की H+, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 नेगेटिव में है, तो गेन कौन करेगा, गेन करेगा H+। तो अगर H+ गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, लेकिन उसका रिडक्शन कैसे हो सकता है, रिडक्शन तो किसका हो चुका है, F2 का। अगर वाटर का कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, क्या H+ का फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं आप लोग, बोलिए बेटा क्या आप लोग H+ का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, आंसर इज नो सर, वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन अगर वाटर का मैं बोल रहा हूँ तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने रेडॉक्स में भी इस बात को पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन जब वाटर का करते हैं तो O2 ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाटर ऑक्साइड का ही हो सकता है। तो आपके पेपर में ये दोनों चीजें आएंगी, याद रखना F2 का हाइड्रोलाइसिस और Cl2 का हाइड्रोलाइसिस, और पूछेंगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो बच्चे अक्सर सेम प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि सेम प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। Cl2 इसका रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा, लेकिन F2 ये +1 में नहीं जान जा सकता, तो इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा, और वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये प्रोडक्ट आप लोग याद रखेंगे, क्या हेलोजन्स का हाइड्रोलिसिस आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बोलो भाई। इसके अलावा आप लोग इसका सर्च करके आएंगे I2 के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क मेरे सारे सीरियसली जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको लिखते रहिए, हम सब के सब डिस्कस करेंगे, बट द टाइम विच इज गिवन टू यू उसके लिए आप डिफरेंट जगह पे सर्च कीजिए,
उससे आप लोगों को बुक्स के बारे में पता चलेगा, उससे आपके लोगों को टीचर के बारे में पता चलेगा कि कौन हमें क्या आंसर दे रहा है। आंसर सुन के मुझे समझ, जैसे मुझे समझ में आ जाता है इस बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं या नहीं है, ऐसे ही आपको भी समझ में आ जाए, और यही हमें पहचानना है। यस, इसको रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं, लिख लो इसको, हैलोजन का हाइड्रोलाइसिस होना एक रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस है। लिखो, रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हालांकि ये मुझे अलग से सेपरेट पढ़ाना होता है कि रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस के किस किस के होते हैं, फिलहाल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक SN2 मैकेनिज्म नहीं है, आज की क्लास का टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। लिखो भाई, हेड नो, हाइड्रोलाइसिस थ्रू एडिशन मैकेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म आज मैं आपको शो करूंगा। चलिए भाई, सबसे पहली बात करता हूँ, अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स होता है, जनरली एडिशन मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था व्हाट आर द कंडीशंस, क्या आप एक बार सभी बच्चे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या कंडीशंस मैंने बताई थी, एक एक कंडीशन सभी लोग लिख दीजिए। हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ। यस, वैकेंट ऑर्बिटल स्टैटिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, राइट बिल्कुल सही, आपने सारे पॉइंट्स रिवाइज कर दिए हैं, तो आप लोग मुझे बताइए SO3 क्या SO3 का हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए SO3 का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है या नहीं है। पॉजिटिव चार्ज किस पे है, सल्फर पे है, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी किस पे है, सल्फर पे, क्या है या नहीं ये सर्च करो पहले तो आप, क्या सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है भी कि नहीं, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए किस प्रकार, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। हैलाइड्स में तो स्पेशली आपको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ही होता था, राइट, चाहे वो SN2 के थ्रू हो रहा हो या SN1 के थ्रू हो रहा हो, लेकिन ऑक्साइड्स के हाइड्रोलाइसिस के लिए साफ स्पष्ट रूप से खाली ऑर्बिटल लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ ऑर्बिटल खाली जनरेट किया जा सकता है बेटा, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि शुरू से ही खाली हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर H2O मॉलिक्यूल आता है अटैक करने, तो H2O जब अटैक करेगा तो इनमें से एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वो अपने आप ही वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखते रहिए, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एक साइड के एक तो ओ नेगेटिव बन गया और एक साइड आगे जुड़ गया ओ एच, ये हो गया है एडिशन। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आप जानते हैं, ये यहां से एच प्लस से बोलेगा भैया ऐसा है हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, और जैसे ही एच प्लस प्रोड्यूस होगा
ये कहेगा भैया तुम हमारे पास ही आ जाओ, कहाँ दूसरे घर में जाओगे, हमारे पास ही रह लो, हमारे पास कौन सा कम जगह है। देखिए तो हुआ यू, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच और ओ एच। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर कभी भी ऐसा हो कि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये रहा वाटर, ऐड हो गया है राइट, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एडिशन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है ये, एडिशन, अगर कुछ एलिमिनेट ना हो रहा हो। आपसे हालांकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैकेनिज्म पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर बच्चे मैकेनिज्म के बारे में जानते भी नहीं होते। मैं कह रहा हूं अगर पूछ लिया कि SO3 का हाइड्रोलाइसिस किस मैकेनिज्म से होगा तो आपके पास तो कोई आंसर ही नहीं। चलिए एक बार मेरे कहने पर जरा CO2 पे आंसर कीजिए, CO2 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, अरे H2SO4, अरे सल्फर अगर +6 में था बेटा तो +6 वाला ही ऑक्सो एसिड बनेगा। तो रिजल्ट तो आसान है, वो मैं अभी सिखाने वाला हूं कि डायरेक्ट देख के आप क्या लिखेंगे, वो मैं आपको सिखाने वाला ही हूं। CO2 का हाइड्रोलाइसिस करके मुझे बताइए कि कौन से, पहले तो मुझे दो आंसर दीजिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा और मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म, जल्दी से आंसर कीजिए। कितने कितने बच्चे सही आंसर कर पाएंगे, प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म। यस आंसर इज H2CO3 एंड मैकेनिज्म इज एडिशन। आप जानते हैं H2 अटैक करेगा, आप इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से, अटैक दिस एम्प्टी ऑर्बिटल क्लियरली नजर नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन तो लिखवाई जाती है जिसके हिसाब से, वो एसेंट मैकेनिज्म के हिसाब से SN1 या 2 में एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होता, एडिशन में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो आप जानते हैं क्या बनेगा, H2CO3। तो आपको याद रखना है अगर आज के बाद कोई भी ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस अगर होता है ऑक्साइड का तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जल्दी बताओ। तो क्या आपको कोई चेंज नजर आया, आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम चीज है जो अब से पहले पढ़ते आ रहे थे, कीप ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम रखिए एंड फॉर्म ऑक्सो एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम रखते हुए आपको ऑक्सो एसिड बना देना है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब से पहले भी यही कर रहे थे तो पेपर में तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए अब आपको सीधा प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट करना है, प्रिंट कीजिए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ N2O5 प्लस H2, क्या बनेगा, N2O5 का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं। अब आपको मैकेनिज्म से नहीं जाना है, जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। हाँ एक नया गाना आया है यार, वो गाना है तेरी आंखों में दिखता है जो प्यार मुझे, मेरी आंखों में भी इतनी दिखता है क्या, क्या आपने ऐसा गाना सुना,
वेरी गुड, आप पर बना दी HNO, नहीं, मैं ये गाने सुनता तो नहीं, बट जब मैं ड्राइव करके आता हूँ अपने ऑफिस में तो कार में जो FM चल रहा होता है उसमें सुन जाते हैं गाने, राइट। तो आप इस गाने को अगर सुनेंगे, ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि उस गाने में एक लाइन थी कि ऐसा करके दिखाऊंगा प्यार, मतलब मैं ऐसा प्यार करके दिखाऊंगा कि तुम मुझे शाबाशी दोगे। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा होता है क्या कि मतलब मैं ऐसा प्यार करके दिखाऊंगा तुम मुझे शाबाशी दोगी। लड़की कह रही है वाह बेटा वाह, तुम तो बहुत ही हैवी ड्राइवर हो, तुमने ऐसा प्यार करके दिखाया। ऐसा कभी हो सकता है? क्यों करते हैं उल्टी सीधी बातें? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? प्रैक्टिकल छोड़ो, कौन क्या आपने कभी किसी को शाबाशी दी अपने घर में? भाई वाह भाई मौज कर दी, तुमने तो बहुत ही प्यार कर दिया हमें। दर्शन रावल अच्छे गाने गाता है पर पता नहीं क्या कर रहा भैया, होश में रह के गाने गाओ, से कोई मीन निकलते हो। N2O5 का आपने प्रोडक्ट कर दिया, वेरी गुड। अच्छा चलिए बताइए, अब SeO2 बताना बेटा। SeO2, इसका हाइड्रोलाइसिस होने से क्या बनाएंगे आप? एक दो गाने चलते हैं उसमें भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या कह रहा है, तो दिमाग खराब है ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। एक गुरु रंधावा, पहले तो यूं गया, पहला उसका गाना आया बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दुआ दूंगा। भाई चल लड़कियां सोचेगी कि भैया हाँ हम तो रानी बनेंगी। जैसे ही कुछ ही दिन बाद एक और गाना आ गया, नाच मेरी रानी। तू तो अभी इसको महल बनाने वाला था, अब नुगारा की महल वाले छोड़, चल रानी बन गई, नाच नाच के दिखा। ये है बताओ, इनके कोई भरोसा नहीं है इनका, तो इनकी बातों में बिल्कुल ना आए लड़कियां। बेटा तू महल दवा दूंगा, गाना गा रखा है, हिट हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, अगले गाने में कोई इज्जत नहीं। चल नाच मेरी रानी, नाच बना देते रानी। ऐसी कौन सी रानी ये जिसको नचा रहे तू? मम्मी भी बता दो कैसे नचाते कैसे हो। टोनी कक्कर वो टिकटॉक लाइक गाने बनाता है, वो नंबर लिखो 9 8 9 7 1 इसके आगे। और हमें भी आते हैं ठीक है, पर हमारे थोड़े अलग टाइप के होते थे। SeO2 में भाई ऑक्सीजन स्टेट है +4। अगर मैं आपसे पूछूं +4 का ऑक्सीजन एसिड क्या बनेगा, आप जानते हैं H2SeO3, और इसकी बेसिसिटी पे मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप लोग। बोले बेटा बेसिसिटी क्या है इसकी, और अगर इसकी जगह PeO2 होता और उसका हाइड्रोलाइसिस होता तो उसकी बेसिसिटी क्या होती? तो आंसर ही सर दोनों ही केस में 2 करेक्ट आंसर होता, और दोनों इस ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, क्लियर है, राइट। चलिए अब एक स्टेप पेपर में क्या होगा, वो SeO3 देंगे और पूछेंगे हाइड्रोलाइसिस किया, क्या प्रोडक्ट बना, और TeO3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो पहले वाले का आंसर कीजिए एंड देन उसकी बेसिसिटी पर ट्रीट कीजिए। गाना हो रहा है फिलहाल 2, और भैया एक दो दिन में 10 करोड़ व्यूज आ गए कम से कम।
मैंने उसे जान पूछने नहीं, मैं ऐसे गाने को एक भी व्यूज नहीं दूंगा, चाहे 10 करोड़ हो जाए, पर मेरी वजह से 10 करोड़ माइनस वन रहेगा। बेसिसिटी भी कमेंट करते हैं ना, बेसिसिटी कितनी होगी? टू। और TeO3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सुनो। अरे मैं क्या, आप लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आप किस चीज को अब्यूज देते हैं, ये ध्यान से समझ ना, कुछ नहीं। और फिर आप लोग कहेंगे सर बॉलीवुड में ना नेपोटिज्म है, उसको सपोर्ट करने वाले तो हम सभी हैं। जब हम ऐसे लोग इन कैरेक्टर्स को ज्यादा फॉलो करेंगे, तो वो लोग, वो करण जौहर की मैं कोई गलती मानता नहीं, पीपल लाइक ये सर वो स्टार के किड्स को लॉन्च करता है, बिकॉज यू वॉच दैट काइंड ऑफ मूवीज मोर देन द रियलिस्टिक मूवीज। तुम्बाड़ मूवी देखी आप लोगों ने किसी ने? बोलो बोलो, एब्सोल्युटली करेक्ट, अदिति ने सही आंसर कर दिया है। अरे वाह, सौरभ ने भी सही आंसर किया है। ये अक्सर लोग गलत आंसर करते हैं, TeOH होल सिक्स आंसर आएगा और बेसिसिटी होगी सिक्स। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं वो सारी बातें जानते हैं, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए बेटा कि अगर आप, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसको लेके मूवी बनाता है, बट सपोर्ट हम करते हैं, फॉलो हम करते हैं, हम कुछ होते हैं। ओहो, अनन्या पांडे को धनिया और पुदीना में फर्क नहीं पड़ा है, सी इज सो क्यूट। तो आप खुश हैं, आप लोग उसके सपोर्टर हैं, तो बाद में कोई पैनिक करने का कोई सेंस नहीं। तो एडिशन मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस हो सकता है, बट अदर मेथड्स भी हैं हाइड्रोलिसिस होने के। मैं आपको सब मैकेनिज्म के बारे में एक अच्छा अच्छा सा आइडिया दे रहा हूँ, तो आप लोगों से मेरी फिर भी यही रिक्वेस्ट रहेगी बेटा, क्वालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा देखिए। टाइम पास करने के 50 तरीके हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज क्यों ज़्यादा हिट होगी? जो तो टैलेंटेड इंसान है वो डिप्रेशन में जाएगा ही, और आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग दुखी क्यों हैं कि सर टैलेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा? बिकॉज यू स्पेंड योर टाइम। मेरा मन करता है ना किसी चीज पर एक व्यूज भी ना देने का, तो मेरे सामने भी आ जाती है ना वो शो, तो मैं उसको हटा के कहीं और क्लिक करके चेक करता हूँ, क्योंकि एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो। सही चीज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो चीजें ना किसी और के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा भी जरूरी नहीं केमिस्ट्री के फॉलो ही करो, तो केमिस्ट्री चलिए एक बार जल्दी से लिखिए इसको। चलिए, किस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? मैं उर्दू एसिड सारे पढ़ा चुका हूँ, तो मैं सब चीज को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। और भी बहुत ऑक्साइड्स हैं। चलिए अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कीजिए, Cl2O का हाइड्रोलाइसिस करिए, क्या बनेगा जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ Cl2O? Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीजन रेट क्या है, जल्दी बता दे रहा हूँ, +1। तो +1 वाला ऑक्सीजन एसिड HClO। सिमिलरली Cl2O3 हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा?
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नजर आ रही है आपको? प्लस थ्री, तो प्लस थ्री वाला एसिड HClO2, Cl2O5, हाइड्रोलिसिस प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट HClO3, Cl2O6, हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? HClO4। क्लियर है बात? बोलो भाई। तो आप इन सब के हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कीपिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखिए और क्या बना देना है, ऑक्सो एसिड बना देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई ऑक्सो एसिड है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ नॉट सी एल सॉरी 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 ये लो Cl2O6 प्लस H2। अब देखो, अब आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? Cl2O6 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनाना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि प्लस सिक्स का कोई ऑक्सीजन एसिड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बोलिए भाई। क्या कोई ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करता है प्लस सिक्स में? क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी बताइए? क्या आप Cl2O6 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? आप जानते हैं राइट, H2O अगर एक Cl पे अटैक करेगा तो एक पे जाएगा OH और एक पे जाएगा H। इस तरीके से ध्यान रखिए, फाइनल प्रोडक्ट एक पे जाएगा OH, एक पे जाएगा H। तो एक बन गया HClO4 और एक बन गया HClO3। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक बना प्लस सेवन वाला, एक प्लस फाइव वाला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मेरा ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी किसी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड मिल जाए जिसमें वो नेचुरली एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं शो करता है, तो उससे एक ज्यादा और एक कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बना देना है। क्लियर है? लिखो इसको नोट करके, अगर कभी भी एक ऐसी ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्साइड प्रेजेंट हो जिसमें ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्लस वन और प्लस माइनस और माइनस वन वाला ऑक्सो एसिड बनाना है। लिखो इसको, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज सच दैट नो ऑक्सो एसिड exist in that, then oxidation state plus 1 and oxidation state minus 1 oxo acids will be formed। यानी कि इनका भी कैसा हाइड्रोलाइसिस होगा? रेडॉक्स। रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस और किस में हो रहा था? हैलोजन्स में, नॉट इन केस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन में भी रेडॉक्स था, आई वोंट से दैट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो हैलोजन्स में आप ये कह सकते हैं क्लोरीन का रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। लिख लेना डिस्प्रोपोर्शनेशन। बट फ्लोरीन का हाइड्रोलाइसिस, अरे आपके पेपर में यही क्वेश्चन होंगे बेटा, आपके पेपर में क्वेश्चन होगा कि अगर हम
क्लोरीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या वो एक रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस है? आंसर इज यस. क्या वो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? आंसर इज नो. तो आपसे स्टेटमेंट लिख के पूछेंगे, या तो प्रोडक्ट पूछेंगे या स्टेटमेंट पूछेंगे. राइट. ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन वाला ही केस है. अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ज्यादा एक कम, तो रेडॉक्स के साथ साथ आप लिख लेना डिस प्रोपोर्शनेशन. लिख लेंगे सभी लोग, बोलो भाई, कर देंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर. तो एक बार मुझे करके दिखाइए. अगर मैं आपसे पूछता हूं P4O8 का हाइड्रोलाइसिस होता है, क्या बनेगा? जल्दी बताइए क्या बनेगा. रीड करो जल्दी से. जल्दी जल्दी बताइए भाई क्या बनेगा. और जो लोग ये बात जानते हैं, तो वो आज मैंने NSUT के बारे में बताया भी था आप लोगों को, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. तो MSc मेरिट बेस्ड एंड मतलब एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं है, मेरिट बेस्ड और एडमिशन हो जाएगा वहां पे. सभी लोग जरूर ट्राई कीजिए एक बार. क्या प्रोडक्ट बनेगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. यह है प्लस फोर में कोई ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक प्लस थ्री वाला और एक प्लस फाइव वाला. वैसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको ये बात समझा सकता हूं यहां भी कि P4O8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इस तरीके से P4O8 में सबसे पहले तो सारे ऑक्सीजन, चाहे P4O6 हो चाहे P4O8, आप इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, मैं स्ट्रक्चर सबका बता ही देता हूं आपको, लिख लीजिए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6. P4O8 कैसा होगा बनाइए. ये स्ट्रक्चर तो सभी में सेम रहेगा. देखो ध्यान से, तो किसी भी दो के साथ डबल बॉन्ड O लगा देना, किसी भी दो के साथ. दिस इज योर P4O8. P4O10 बनाओ. P4O10 अगर आप बनाते हैं बेटा, तो ये हर फॉस्फोरस इस तरीके से. अगर आप मेरी बात समझें तो P4O6 में फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन प्लस थ्री है, राइट? P4O10 में फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन हर एक की प्लस फाइव है. इसमें प्लस फोर आने का रीजन समझिए पहले. तो इसमें देखिए, ये वाला फॉस्फोरस किसमें? प्लस फाइव में. और ये किसमें है? प्लस फाइव में. ये प्लस थ्री में है, ये प्लस थ्री में है. अरे बॉन्ड ब्रेक करके देख लेना, ये आएगा. तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 16. प्लस 16 और चार फॉस्फोरस पे डिवाइड है, तो जो एक्स मान के निकाल रहे हैं आप, वो प्लस फोर आ रहा है. बट एक्चुअल में कोई भी फॉस्फोरस प्लस फोर में नहीं है, राइट? तो इसीलिए जब आप H2O ऐड करेंगे, एक रफ तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया है, उसको याद रखेंगे सभी बच्चे. क्या है वो तरीका? कभी भी ऑक्सी लिंकेज को ब्रेक करना हो तो वाटर को ऐड कीजिए, ऑक्सी लिंकेज ब्रेक होगा HOH. एक के पास जाएगा HOH. तो देखिए बेटा, दो प्रोडक्ट बनेंगे.
दो का एक ही बनेगा, H3PO3। तो सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस करने पर चार मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 के ऑब्टेन होंगे आपके पास। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? लेकिन अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं इनका, देखिए एक के पास H, एक के पास OH, एक के पास H, एक के पास OH, एक के पास H, एक के पास OH। तो एक जिनके पास P डबल बॉन्ड O था वो तो किसमें कन्वर्ट हो गए, H3PO4। यानी एक ये वाला और एक ये वाला, दो H3PO4 मिलेंगे। और जिनके पास P डबल बॉन्ड O बॉन्ड नहीं था वो दो H3PO3 में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप P4O10 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप जानते हैं सारे P डबल बॉन्ड O हैं, तो चार के चार मॉलिक्यूल ओ H3PO4 मिलेंगे। क्या आपको इनके हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट समझ में आया? बोलो भाई, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो ध्यान से, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है लिखो ध्यान से। भाई पूछा जा सकता है कि इनके हाइड्रोलाइसिस पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक डायरेक्ट तरीका है प्रिडिक्ट करने का, लेकिन इनका अगर मैं पूछ लूं कि इनका मैकेनिज्म क्या होगा तो आप लोगों के पास कोई आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को मैकेनिज्म का थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हुआ चल रहा हूं, ठीक है? इनके मैकेनिज्म पर भी आएंगे। चलिए, ऑक्साइड्स की हाइड्रोलाइसिस को आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन दो ही बात याद रखनी है, अगर प्रोडक्ट पूछा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखिए और ऑक्सीएसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई ऑक्सीएसिड है ही नहीं तो एक ज्यादा और एक कम वाले का प्रोडक्ट बना देना, यही आपके सारे आंसर हो जाएंगे। याद रखना, इसी तरीके से मैं आपसे P4S10 भी पूछ सकता था, लेकिन वो सल्फर वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें मेन ग्रुप में पढ़ने हैं। यहाँ मैंने मैक्सिमम का आइडिया दिया है, लेकिन मेन ग्रुप में भी बहुत नई बातें सीखने को मिलेंगी, राइट? चलिए अब बात करते हैं। ये था एडिशन मैकेनिज्म। एक छोटे से दूसरे मैकेनिज्म के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ, वो आप लोगों को हेल्प करेगा और फिर हम P4O10 जैसे मॉलिक्यूल से मैकेनिज्म के बारे में पढ़ पाएंगे। लिखो हाइड्रोलिसिस थ्रू, हाइड्रोलिसिस थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू हाइड्रोलाइसिस करना सिखाता हूँ इस मैकेनिज्म। देखते हैं भाई इसका इस मैकेनिज्म से कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरे पास है SO2Cl2, SO2Cl2 में हमारे पास Cl भी जुड़ा हुआ है जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं H2O ऐड करता हूं तो इस बार भी वाटर ऐसे ही अटैक करेगा और ऑक्सीजन इसी तरीके से जाएगा, राइट? तो आपके पास बनेगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है? एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो ऊपर चला गया, राइट? Cl नीचे और एक तरफ से PBP टाइप स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। बोलो भाई अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये नीचे आएंगे तो आपका जो ये Cl है ये बाहर जाएगा, ये एलिमिनेट होगा। यानी पहले H2O का एडिशन हुआ और फिर Cl नेगेटिव का एलिमिनेशन हो गया है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट? इसके अलावा SO2Cl2 था ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से चिपका दिया इसमें, वेट वेट वेट, Cl था ये, Cl एंड O
H पॉजिटिव, या आप समझ सकते हैं जब ये इसे खींच लेगा अपने H प्लस से इलेक्ट्रॉन, तो एक तरीके से आप ओवरऑल लिख पाएंगे कि HCl का एलिमिनेशन हुआ है, पहले स्टेप इस तरीके से हुआ, राइट। तो यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक और H2O मॉलिक्यूल आएगा, एक और HCl बाहर जाएगा, प्लस H2O और एक और HCl बाहर जाएगा, यानी एडिशन के साथ एलिमिनेशन भी हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट करना आसान है बेटा, यहां प्लस सिक्स में था सल्फर, यहां भी प्लस सिक्स में, तो मैकेनिज्म का एक आइडिया होना चाहिए। अगर सिर्फ ऑक्साइड है तो वहां एडिशन मैकेनिज्म है, लेकिन हर ऑक्साइड में ऐसा भी नहीं होगा, स्पेशल केसेस भी मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलूंगा। तो जितने मैकेनिज्म मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझिए कि इतने मोर देन सफिशियंट है आप लोगों को। चलिए इसी तरीके से आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कीजिए, याद रखिए यहां क्या था, एसओ टू के साथ तो लिविंग ग्रुप भी थे, जबकि एसओ थ्री में ऐसा नहीं था। लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वहां एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, बताइए मुझे, बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ POCl3 की हाइड्रोलिसिस पे, POCl3। पेपर में अगर ये सवाल आ गया, इसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा, पहली बात तो प्रोडक्ट, दूसरी बात मैकेनिज्म। प्रोडक्ट तो प्रिडिक्ट करना काफी आसान होता है, आप जानते हैं सर, यहां पर ऑक्सीजन सेट क्या है, प्लस फाइव, तो प्लस फाइव वाला ही ऑक्सो एसिड बनेगा, यानी H3PO4, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द मैकेनिज्म, कितने बच्चे हैं जो मैकेनिज्म के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इस वक्त, मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान अगर आप लोग दे सकते हैं तो बहुत जल्दी कीजिए, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। बोले भाई POCl3 है और H2O का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए प्रिडिक्ट करने की। प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, मैं आपसे मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है कौन सा मैकेनिज्म होगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एडिशन एंड एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, SN1, ये किसने आंसर दिया भाई, क्यों SN1, क्या हम पहले इसका बॉन्ड ब्रेक करके वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट करवा रहे हैं, इसके पास H2 का एडिशन हुआ है, HCl का एलिमिनेशन हुआ, इस तरीके से बात बनेगी। तो मैं आपको जो आइडिया दे रहा हूँ ना बेटा, वो जनरल आइडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ऑक्साइड्स एडिशन के मैकेनिज्म से ही चलती हैं, ये एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये सारे हैलाइड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से चलते हैं, तो आप लोग ये बातें अपने आप बिल्कुल ना सोचें, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, पेपर में तो सिंपल क्वेश्चन होंगे, PCl5 का अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ये आपका क्वेश्चन है, और आप मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑल्सो मैकेनिज्म आपके हिसाब से कौन सा फॉलो होना चाहिए, जल्दी से बताइए मुझे बेटा। यस जल्दी बताइए, PCl5 का हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होना चाहिए आपके हिसाब से, मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप सोचिए क्या पॉसिबल आंसर होना चाहिए, H3PO4, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो आप समझ गए भाई सर, प्लस फाइव से प्लस फाइव, मैकेनिज्म बहुत मैटर करता है इसका, इसीलिए आप देखेंगे
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कई बार आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब जरा ध्यान से समझना जो मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को, PCL5 ये पॉइंट तो क्लियर ही रख लेना, या तो आपके एग्जाम में आते ही नहीं है मैकेनिज्म पर क्वेश्चन, और अगर आया तो जो मैंने क्लास में करा दिया उससे बाहर नहीं है। तो अपने आप रेंडमली सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हर किसी केस में हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसे कितनी ऑक्साइड्स हैं, एक सिलेबस होता है हर कोर्स का, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए आपके पास है PCL5, PCL5 की सारी इन्फॉर्मेशन मैं केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पहले चलो रोटेशन है या नहीं है, कौन से बॉन्ड लॉन्गर है या शॉर्टर है। देखो पहला स्टेप तो वही है बेटा, आपने ऐड किया H2, पहला स्टेप होगा SN2। मैंने आपको बताया था अगर हैलाइड्स होते हैं तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, एलिमिनेशन ओनली। अबे एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा ओनली, ये तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। देखो H2 अटैक करेगा किस पे, मान लीजिए H2 ने अटैक किया तो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। SN2 का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होना और एक बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ गए कि सर हमारे पास जो है, अब देखो स्ट्राइक नंबर 5 था तो स्ट्राइक नंबर 6 जब बनेगा ऑक्टाहेड्रल टाइप सिचुएशन बनेगी। तो अगर एक H2O ऊपर से इस तरीके से आ रहा है OH2, तो नीचे वाला Cl का जो है बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, राइट। अब आप समझते हैं कि इस ऑप्शन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा या अटैक कर लेगा, Cl बाहर चल जाएगा, और फिर एक जब ऑक्सीजन अपने H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सीधी सी बात है बाहर क्या गया, HCl गया, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो ये है P। इसके पास कितने Cl हैं, 3, PCl3 और एक OH, यही हो गया। अटैक किया 5 Cl थे, एक Cl बाहर चला गया और एक Cl और बना, एक और OH को प्रॉपर तरीके से बनाते। देखो पीस एक OH है और आपके पास अब 4 Cl हैं, Cl 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 और Cl। अगला स्टेप देखो, पहला स्टेप तो SN2 था। इस मॉलिक्यूल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये जब लोन पेयर अटैक करेंगे तो दूसरे स्टेप में ये Cl भागेगा, इसमें एलिमिनेशन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ध्यान से समझते रहो, P डबल बॉन्ड O, क्योंकि वो एक्सप्रेस को भगा देगा, फिर से एक और HCl गया। अरे समझे कौन सा, ये वाला Cl गया और फिर ये वाला H गया, तो मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ माइनस HCl, POCl3 बन गया। तो SN2 मैकेनिज्म हुआ था पहला स्टेप, और इंटरेस्टिंग बात ये है पहला वाटर मॉलिक्यूल कितने Cl मॉलिक्यूल को बाहर करता है, आंसर इज 2। समझ रहे हो, पेपर में देखना क्या मस्त क्वेश्चन होंगे अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ने 2 Cl बाहर कर दिए, यहां से आगे का स्टेप तो आसान है। आप जानते हैं POCl3, मैंने अभी ऊपर लिखा था POCl3 का हाइड्रेशन बेसिस कैसे होता है, एडिशन एलिमिनेशन। यहां से आगे तो आप वैसे भी जानते हैं एडिशन एलिमिनेशन है, यानी आप ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, 3H2 ऐड करेंगे, 3HCl बाहर जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा H3PO4। तो अब मेरे क्वेश्चंस का ध्यान से आंसर दीजिए, इसका मैकेनिज्म कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर SN2 एंड एडिशन एलिमिनेशन, दोनों मैकेनिज्म इसमें होते हैं। दूसरी बात, PCl5 की बैलेंस रिएक्शन कितने वाटर मॉलिक्यूल टोटल लगे, तो PCl5 के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं सिर्फ, H3PO4 बनता है और HCl, क्योंकि पहला वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 Cl नेगेटिव को बाहर कर देता है, तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आई, बोलो भाई बात समझ में आई सभी लोगों को, कि PCl5 का जो हाइड्रोलिसिस है उसके लिए सिर्फ 4 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सर PCl5 के केस में 5 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए इतना आसान सवाल आ जाएगा, सब लोग गलत कर देंगे। क्लियर
क्लियर है बात जो मैंने आप लोगों को समझाई? बोलो भाई, तो बहुत ध्यान से समझते रहिए सारी बातों को। इसके अलावा आप लोगों को और भी हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म कुछ देखने हैं। अगर हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट एक दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी। तो आज की क्लास में मैं इतना ही सफिशियंटली एंड करता हूँ इस क्लास को। सबको सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी बताइए भाई। तो कल 5 बजे फिर से भूलिए मत ग्रुप थियरी, और उसके बाद जो भी टाइम टेबल होगा वो आप लोग फॉलो कीजिए। आपसे पेपर में मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आपसे पेपर में तो ये आता है PCl5 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, सब बच्चे बना देते हैं, उसके आगे और पीछे का किसी को आइडिया नहीं होता। P4O10 का हाइड्रोलाइसिस प्रिडिक्ट करने को दे रहा हूँ। चलो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कल क्लास में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। P4O10 का हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो उसके बारे में प्रिडिक्ट कीजिए। प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, क्या मैकेनिज्म रहेगा? चार इसलिए बेटा आशी देख, जब पहला वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है PCl5 पे तो एक Cl तो चला ही जाता है, फिर जब ये लोन पे अटैक करेंगे तो दूसरा Cl भी चला जाता है, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल ने कितने Cl भगा दिए? दो। अब कितने Cl बचे? तीन। उसके लिए तीन H2O चाहिए होते हैं, तीन H2O। देखो ना, हर बार POCl3 में अटैक करेगा Cl बाहर, दूसरा अटैक करेगा Cl बाहर, तीसरा अटैक करेगा Cl बाहर, H3PO4 बन जाएगा। क्लियर? अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना भी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उसमें काम की चीजें हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, मैं आपको थैंक यू वाली स्लाइड दिखा देता हूँ अभी सभी लोग को, और सारी क्लासेस अटेंड करते रहिए। इस सेशन में तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक तो आप लोगों को सारी मेहनत हमारे साथ करनी ही है, मेरे साथ अटेंड करिए। रैंक वन लेके आनी है तो याद रखिए रैंक वन ही आएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सारी बातें ध्यान से पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।